ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज बीए थर्ड ईयर की क्लास में टॉपिक है मैकियावेली से रिलेटेड। किससे? मैकियावेली से संबंधित। ठीक, ये जो टॉपिक है हमें ध्यान देना है कि इस टॉपिक के से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इसके बारे में हम आपको बता दें कि युग का या फिर इसमें पुनः जागरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे मैकियावेली का पुनः जागरण के समय। ठीक, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि पुनः जागरण युग की जिन बातों ने मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव डाला उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की और उनका अध्ययन जिन शीर्षकों में किया जाता है वो शीर्षक आप लोगों को लिखना है। तो सभी लोग लिखना शुरू करेंगे शीर्षकों को। ठीक, शीर्षकों को आप वो शीर्षक जो है कौन कौन से शीर्षक हैं तो अब उन शीर्षकों को सभी नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शीर्षक है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। नंबर पहला है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की, जो शक्तिशाली जो मुख्य शीर्षक है उनके, तो उन शीर्षकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो पहला शीर्षक है वो है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना और दूसरा शीर्षक है आपका कि राष्ट्रीयता की भावना। क्या है? राष्ट्रीयता की भावना का टॉपिक है। और पहला क्या था? शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो ध्यान देना है आपको, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पुनर्जागरण। ठीक, अब पुनर्जागरण जो है इसका एक शीर्षक ही है और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि धर्म और नैतिकता। क्या है? धर्म और नैतिकता के बारे में जो टॉपिक है इसके बारे में देखेंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है ये टॉपिक के बारे में भी बताया जाएगा। अभी आपको हेडिंग वाइज बताया जा रहा, मानव स्वभाव संबंधी धारणा, अर्थात नेक्स्ट जो टॉपिक है मानव स्वभाव संबंधी धारणाएं। अब हमें क्या देखना है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो है किस प्रकार के शीर्षक हैं। ठीक, ये चीज क्लियर करनी है। अब जो ये शीर्षकों को मैंने बताया है ये मैकियावेली के शीर्षक। अब इसके बारे में मैं और बता देता हूँ कि जो ये शीर्षक हैं तो ये किस चीज़ के लिए हैं। तो हमें ध्यान देना है कि पुनः जागरण युग की जिन बातों से मैकियावेली पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था या पड़ा और उसके राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा निर्धारित की और उसी के लिए उनका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। किन शीर्षकों के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जा सकता है वो शीर्षक ये लिखे हुए हैं। तो
पहला शीर्षक, शीर्षक के बारे में आप देखेंगे कितने शीर्षक हैं, छः पांच शीर्षक मैंने बताए हुए हैं आपको, पांच शीर्षक जो हैं उनके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखेंगे सबसे पहला शीर्षक के बारे में, फिर दूसरे शीर्षक के बारे में, अभी सभी लोग नाम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला शीर्षक क्या था, मैकियावेली का पहला शीर्षक था शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। क्या था, शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना, वो भी पहला शीर्षक था। इसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है, सभी यहाँ देखेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट शीर्षक क्या है जिसके माध्यम से उसको अध्ययन किया जा सकता, तो वो है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना होना, या राष्ट्रीयता की भावना होना, या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है पुनः जागरण, पुनः जागरण का मतलब सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति, किसी सोए हुए व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति जो कि एक निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है, तो उसे पुनः उसी लक्ष्य की ओर जगाना, जागरूक करना, या उसकी ओर प्रेरित करना ही एक प्रकार से पुनः जागरण कहलाता है ना, सभी जानते हैं। तो ध्यान दें कि इसके बाद नेक्स्ट है धर्म और नैतिकता, क्या है, धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता में क्या है, अंतर क्या है, कि धर्म और जो नैतिकता है अंतर स्पष्ट नहीं करना, इसे एक शीर्षक माना गया है जिसके माध्यम से मैकियावेली के बारे में अध्ययन या फिर जानकारी मिलती है, यह एक शीर्षक है उसके अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है मानव स्वभाव संबंधी धारणा, तो मानव स्वभाव संबंधी धारणा भी एक प्रकार का मैकियावेली का शीर्षक माना गया है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि इस वीडियो के माध्यम से मैकियावेली के शीर्षकों को आपको कंप्लीट कर लेना है, फिर इसके बाद मैं आपको एक एक हेडिंग वाइज वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स।